नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। भाजपा को प्रचंड जनादेश तो तीनों राज्यों में मिल गया, साथ ही उन राजनेताओं को सबक भी मिला जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह कई ऐसे दिग्गज हैं जो हार गए। बोली अवाम दिग्गज धड़ाम, पार्टी को हां नेताओं को ना, जनता ने निकाला दिग्गजों का दिवाला। किस किस की तस्वीर दिखाएं और किसकी हटाएं, बस इतना समझ लीजिए कि पब्लिक ने नेताओं को साफ कर दिया है कि सत्ता में रहना है तो काम करते रहना है, बयान से नहीं काम से मिलेगी कुर्सी। हार की समीक्षा तो लगातार होती रहेगी, पहले जान लीजिए कि जमहूरियत में जनता ने किसके नीचे से खींच ली है सियासी जमीन। मध्य प्रदेश में 31 में से 12 मंत्रियों को पब्लिक ने घर बिठा दिया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पब्लिक ने उत्तम नहीं माना और वे 7,156 वोट से हार गए। नरोत्तम के अलावा सिंधिया गुट के राजवर्धन सिंह दत्तीगांव 2,976 वोट, महेंद्र सिंह सिसोदिया 14,796 वोट, सुरेश धाकड़ 49,481 वोट से हार गए। बाकी मंत्रियों में रामखेलावन पटेल 5,890 वोट, राहुल सिंह लोधी 8,117 वोट, भारत सिंह कुशवाहा 3,282 वोट, रामकिशोर कांवरे 25,948 वोट, गौरीशंकर बिसेन 29,195 वोट, प्रेम सिंह पटेल 11,172 वोट, अरविंद भदौरिया 20,228 वोट, कमल पटेल 870 वोट से हार गए। वहीं तीन केंद्रीय मंत्रियों में से एक निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते को 9,723 वोट से शिकस्त मिली। चार सांसदों में से एक सतना से गणेश सिंह 4,041 वोट से हार गए। छत्तीसगढ़ में तो मानो हार की सुनामी आ गई हो। भूपेश के भरोसे वाली सरकार के 13 में से 9 मंत्रियों से जनता ने भरोसे की बुनियाद छीन ली। मुख्यमंत्री पद के दावेदार और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव 94 वोट से, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू 16,642 वोट से और पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज 8,370 वोट से हार गए। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को पहली बार चुनाव लड़ रहे ईश्वर साहू ने 5,196 वोट से हराया। पिछली बार रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले मोहम्मद अकबर 39,592 वोट से हारे। इसके अलावा आरंग से शिवकुमार डहरिया, नवागढ़ से गुरु रुद्र कुमार, सीतापुर से अमरजीत भगत, कोंडागांव से मोहन मरकाम और कोरबा से जय सिंह अग्रवाल अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। कुल जमा बात यह कि नेता तो हमेशा अपनी पर आते ही रहते हैं, लेकिन पब्लिक जब अपने पर आती है तो सत्ता रुआब रसूख सब कुछ उड़ा ले जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो दोनों ही राज्यों में पार्टी से इतर अगर सोचकर देखा जाए तो दिग्गजों को पार्टी पर भरोसा जताया गया, लेकिन दिग्गजों को रोक दिया गया। कई ऐसे दिग्गज नाम हैं जिन्होंने चौंकाया, राजनीतिक पंडितों तक को कंफ्यूज कर दिया। एक बेहद खास पैनल हमारे साथ जुड़ रही है, उनसे हम चर्चा के सिलसिले को भी आगे बढ़ाएंगे, उनसे तारुफ आपका करवा देते हैं। सबसे पहले डॉक्टर किरण बघेल बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका बहुत स्वागत। अमित श्रीवास्तव साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मध्य प्रदेश से भी दो खास मेहमान राजपाल सिसोदिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सिसोदिया साहब का बहुत स्वागत। इसके अलावा संतोष गौतम कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गौतम साहब का भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा अमित श्रीवास्तव साहब, लंबी चौड़ी लिस्ट, बड़े प्रकांड और दिग्गज नेता और बड़े बड़े मार्जिन से हारे हुए नेता, वजह कुछ नजर आती है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो निर्णय आया है जनता का लोकतंत्र में हम सबको स्वीकार है, और जनता लोकतंत्र में जनार्दन होती है उसका आदेश स्वर पर ही होता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। निश्चित तौर पे जब हमारी चिंतन होगी, मनन होगी, उस पर बैठक होंगी और रीजन क्या था, हम अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में उसे डिस्कशन जरूर करेंगे, और निश्चित तौर पे उसको चिंतन मनन करने के बाद अब लोकसभा चुनाव में हम तुरंत सब लग जाएंगे, क्योंकि निश्चित तौर पे हमने काम तो किया था, हमने कहा हमसे चूक हुई, हम जनता तक उसे पहुंचा नहीं पाए। अब ये सारी चीजों पे मंथन चिंतन जरूर होगा, लेकिन आपने जिस प्रकार से कहा कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ अभी जो निर्णय पिछले बार भाजपा के लिए आया था, वो निर्णय इस बार हमारे लिए आया, और जिस प्रकार से पिछली बार हमारे नेतागण जीते थे 67,000 से, इस बार अगर भाजपा के नेता जीते हैं तो निश्चित तौर पर जनार्दन होती है साहब। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहूंगा कि मेरा पानी उतर देख, मैंने कहा मैं बड़ी विनम्रता से उसका निर्णय स्वीकार करता हूँ, और भाजपा के समस्त नेतागण और कार्यकर्तागण को बधाई देता हूँ कि जनता, छत्तीसगढ़ की जनता ने जो आपको संदेश दिया है, आप उसे खड़े उतरे
यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि एक चीज मैं कहना चाहता हूँ ललित जी, कि मेरा पानी उतर दे, किनारे पे घर मत बना लेना, मैं समुंदर हूँ, फिर लौट के जरूर आऊंगा। चलिए देखिए, आपने जैसे ही कहा कि मैं समंदर हूँ लौट के आऊंगा, डॉक्टर किरण बघेल मुस्कुराने लगी। किरण बघेल जी, देखिए समंदर है लौट कर आएंगे, ये भी उन्होंने कहा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी बल्ले बल्ले मोड में आई है, अनएक्सपेक्टेड बल्ले बल्ले मोड में आई है। बावजूद इसके जो मध्य प्रदेश की स्थिति देख ली जाए, बड़े बड़े चेहरे आपके पीछे रह गए कई जगह। ठीक है, 53 के आसपास आपकी सीटें आईं, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी नुकसान आपको भी थोड़ा बहुत हुआ, कैंडिडेट वाइज, दिग्गजों के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। डॉक्टर बघेल प्लीज। कैंडिडेट वाइज अगर आप बात करते हैं तो कांग्रेस के दिग्गजों को हार का सामना ज्यादा, हाँ जाहिर तौर पर इको हो रही है आवाज बहुत ही, हाँ थोड़ा इको हो रही है, हम उसे ठीक करवा रहे हैं, आप बोलिए प्लीज। तो मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं को ज्यादा ये एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ा। उनके 9 मंत्री बहुत शॉकिंग रहा, बल्कि उनके 9 मंत्री हार गए। और कहीं ना कहीं अगर आप एमपी की बात करें तो उस पर जरा टिकट टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी कि जनता को पार्टी से गुरेज नहीं था, लोगों के जनता को नेताओं से, खास तौर पे इनकी छवि से गुरेज था। और पार्टी को एक्सेप्ट किया है जनता ने, और नेताओं को कहीं ना कहीं निग्लेक्ट किया या इग्नोर किया या उनके काम से खुश नहीं रहे। तो ये जनता जनार्दन का आदेश है जो हमें स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की बात हो या बीजेपी की। और रही बात छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस का छत्तीसगढ़ मॉडल था वो फेल हो चुका है। भूपेश है तो भरोसा है इनका नारा था, तो छत्तीसगढ़ की जनता का भूपेश के ऊपर से भी भरोसा उठ चुका है। और मोदी जी ने जो मोदी गारंटी देके गए थे छत्तीसगढ़ की जनता को, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं मोदी गारंटी काम कर गई। जनता ने पुनः भाजपा के विकास की गंगा बहाने वाली सरकार पर विश्वास किया है और पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पे बिठाया है। और अमित जी कह रहे थे सागर के किनारे घर बसाने की, तो भाई साहब हम जनता की दिलों में घर बसाते हैं, सागर के किनारे में नहीं, और हम जनता के दिल में बसते हैं और वहां से हमें कोई नहीं हटा सकता। जी जी, कोई लहर वहां से नहीं हटा सकती। चलिए, राजपाल सिसोदिया साहब बहुत गंभीरता से चर्चा को सुन रहे हैं और उतनी प्रचंड वेग में जवाब भी देते हैं, मुस्कुराहट, स्मित मुस्कुराहट अब धीरे धीरे उनके चेहरे पर मैं देख पा रहा हूँ। सिसोदिया साहब पहले बधाई, और सवाल ये है कि गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की हार सभी को चौंका रही है। जी देखिए, समंदर लौट के आएगा कि नहीं आएगा ये तो मुझे नहीं मालूम, पर नरेंद्र है हमारे पास में, और नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से जनता ने विश्वास किया है जी, जो गारंटी नरेंद्र मोदी जी की थी, वो गारंटी इन तीनों राज्य, चारों राज्य में जिस प्रकार से चलने का काम हुआ है, निश्चित तौर पर मोदी जी की गारंटी भारतीय जनता पार्टी का विश्वास, भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा जनता का, और हमारे किए हुए काम, और समग्र इस प्रकार के हमारे जो कार्यकर्ता स्तर तक के चुनाव के दरमियान किए हुए काम, ये सब चीज़ों का एक गुलदस्ता बना, बड़ा सुंदर गुलदस्ता बना। और हम मध्य प्रदेश में इस गुलदस्ते का सबसे मुखर फूल अवाम ने बाहर निकाल दिया। ये बात ठीक है कि डॉक्टर साहब मुखर रहते हैं, हर जगह मुखर रहते हैं, पब्लिक डोमेन में ये बात पड़ी हुई है कि नहीं बनती इमरती देवी बनाम नरोत्तम मिश्रा साहब हमेशा रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक दूसरे पर ज्यादा ताकत खर्च कर दी हो सिसोदिया साहब? देखिए, मैं व्यक्तिगत नहीं बात करते हुए मैं समग्र बात करने में विश्वास रखूंगा, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, उस नाते में जरूर कहना चाहूंगा कि इस चुनाव के अंदर जहां एक तरफ हमारे जो त्रिदेव वाली रचना थी, कार्यकर्ताओं की एक रचना बनी थी मतदान केंद्र पे, उसने बहुत सशक्त तरीके से काम करा, उसको टास्क दिया था माननीय अमित शाह जी ने कि 51% वोट शेयर हमारा कैसे हो, तो उस दिशा में 15 करणीय कार्य थे, उनको हमने नीचे तक करने का काम किया, जो हमारे हितग्राही थे योजनाओं से लाभान्वित, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार, उन तक हम सीधा पहुँचने का काम हमने किया। और आप देखेंगे कि इन सब योजनाओं की वजह से, हमारे मध्य प्रदेश के नेतृत्व की वजह से, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए हुए लगातार जन हितैषी कार्यों की वजह से, गरीब कल्याण के कामों की वजह से, और बूथ पे एक्टिव हमारे वो त्रिदेव और मतदान केंद्र की जो समिति थी, उन सब लोगों ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हो इस दिशा में काम किया। उसका नतीजा है कि इन समग्र जो हमने सब सामूहिक रूप से एक कलेक्टिवली हमने जो एफर्ट किया, उसकी वजह से उस कलेक्टिव एफर्ट, लेकिन हाँ, मैं इस वजह से भी कहना चाह रहा हूँ,
मैं फिर आऊंगा मंत्रियों पे। संतोष गौतम साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष गौतम साहब, कई बड़े चेहरे, कई नुकसान तो आपको इस वजह से भी हुए कि लोग नाराज हो गए थे, नाराज बगावत की हद तक चली गई, पर कई दिग्गज मैदान, कई दिग्गजों ने मैदान हरा दिया पब्लिक ने। गौतम साहब क्या लगता है? देखिए, ये बात तो निश्चित है कि कई दिग्गज हमारे चुनाव हारे हैं, जिनमें डॉक्टर गोविंद सिंह हमारे नेता प्रतिपक्ष भी रहे। मैं समझता हूं कि हमें इसका आत्ममंथन करना होगा और गंभीरता से इस बात पर विचार करना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये इतने बड़े दिग्गज थे, इन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए बहुत कुछ किया था। सज्जन सिंह वर्मा जी हमारे हार गए, जीतू पटवारी जी हार गए। निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी के नरोत्तम मिश्रा और इनकी हार से ज्यादा तवज्जो अपने नेताओं की हार को देना चाहूंगा, क्योंकि हमें यह सोचना कि हमारी हमारी पार्टी की हार हुई है तो हमें भविष्य में सुधार करना है, बजाय भारतीय जनता पार्टी को नसीहत देने के हम ये देखेंगे कि हमारी इतनी बड़ी पराजय कैसे हुई। नेताओं के साथ ही हमारी पार्टी की पराजय हुई है, जो हमारे लिए अनपेक्षित थी, क्योंकि उसके पहले कोई सर्वे, कोई पत्रकार, कोई आम आदमी ये कहने को तैयार नहीं था कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हार रही है। सब कह रहे थे कि भले ही नजदीकी मुकाबला हो, लेकिन एज जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिला हुआ है। लेकिन उसके बावजूद हमारी इतनी करारी पराजय कैसे हुई, हम हार के कारणों पर गंभीर चिंतन करेंगे और निश्चित रूप से उससे उभरने का प्रयास करेंगे। ये एक बड़ी बात है। क्या कांग्रेस कॉन्फिडेंस की लकीर को लांघकर कुछ ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ चली गई थी गौतम साहब? नहीं नहीं, बिल्कुल इसको तो मैं नहीं मानता हूं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी बेहद उत्साह था और पूरे उत्साह के साथ एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता चुनाव में लगा हुआ था। पोस्टर तक लग गए थे, आ रहे हैं कमलनाथ जी। नहीं नहीं, निश्चित रूप से वो तो खैर उत्साह के लिए हमको करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आ रहे कमलनाथ का मतलब ये हो गया कि हम चुनाव जीत गए। निश्चित रूप से अपनी पार्टी के मोटिवेशन के लिए एक कार्यकर्ता ये तो नहीं कह सकता कि हम पार्टी चुनाव हार रहे हैं। निश्चित रूप से हर आदमी को उम्मीद रहती है कि उनकी पार्टी सत्ता में आ रही है और उसके लिए बेहद मेहनत भी हुई थी, लेकिन नतीजे जब ऐसे आए हैं तो निश्चित रूप से कुछ तो कमियां रही होंगी, तो हम निश्चित रूप से उनकी पूरी तरह से पुनरावलोकन करेंगे और आगे कमियों को सुधारेंगे। ठीक, एक सवाल मैं अमित श्रीवास्तव साहब से कर रहा हूं, उसी का जवाब मैं गौतम साहब से भी लूंगा, लेकिन बाद में। अमित श्रीवास्तव साहब, लंबे अरसे से चलिए उनसे फिर संपर्क करेंगे, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। राजपाल सिसोदिया साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजपाल सिसोदिया साहब, तकरीबन 13 मंत्रियों का सीट हार जाना, तो मंत्री बनाने का फैसला गलत था या ये व्यक्तिगत नाराजगी लोगों की थी? इतना तो आपको समझ आया होगा, आप तो वोटिंग के बाद भांप जाते हैं कि सत्ता की स्थिति क्या रहने वाली है। नहीं, निश्चित तौर पर मैं इस बात को, आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि ये हमारे मंत्रीगणों का इस प्रकार से हारना पार्टी के लिए गहन समीक्षा का विषय है। गहन समीक्षा बोल रहा हूं मैं आपको, तो ये समीक्षा तो होगी, पार्टी का नेतृत्व तो हमारा समीक्षा करेगा। समीक्षा करके उन कारणों की तरफ भी जाने का हम प्रयास करेंगे और उसकी पूर्णाहुति नहीं हो उस दिशा में भी काम करेंगे। निश्चित तौर पर इतने मंत्रियों का हारना, पिछली बार भी 18 में भी हमारे जो है 13 मंत्री हारे थे जी, तो मंत्रियों का हारना जो है ये कहीं ना कहीं इंडिकेट तो करता है कि क्या कमी रही, क्योंकि हर असफलता ये बताती है कि सफलता में प्रयास में कमी रही, सफलता प्राप्त करने के प्रयास में कमी रही। तो क्या कमी रही, उन कमियों के पार्टी नेता तो विस्तार से उसकी समीक्षा करेगा, पर मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बड़ी सहजता और सरलता से और विनम्रता से हमारे लोग जब जनता के बीच में थे तो जनता ने एक विश्वास हम पे करने का काम किया। इसके उलट अगर हम देखें तो कांग्रेस, आपने सहजता सरलता का जिक्र किया सिसोदिया साहब, मैं आपको बड़ा अच्छा मिसाल देता हूँ। एक बच्चे से मेरी बात चल रही थी, नया है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में, बहुत छोटी सी जगह से उसने करियर शुरू किया है। उसका कहना है, वो बहुत शिवराज जी को बहुत पसंद करता है, उसका कहना है कि छोटी सी जगह से आने के बाद, छोटे संस्थान से होने के बाद शिवराज सिंह चौहान साहब उससे मिले और जो नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, वो फोन तक नहीं उठाते हैं। सिसोदिया साहब, देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी एक कर्मवीर योद्धा है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आपने विषय छेड़ा तो मैंने कल भी ये बात कही थी, इस देश के अंदर दूसरे ऐसे पॉलिटिशियन है शिवराज सिंह चौहान, पहले चाचा नेहरू, जिन्होंने कनेक्ट हुए थे जनता से और रिश्ता बनाया था चाचा का, उसके बाद में मामा शिवराज। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, ये इस पूरे देश के इतिहास में दूसरे ऐसे नेता है जो आम जनता से अपना रिश्ता कायम करने में सफल हुए हैं। जनता के बीच में जाके उन्होंने, मध्य प्रदेश की जनता के बीच में सरकार नहीं चलाई, वो कहते थे
कि ये मेरा परिवार है और मैं परिवार का मुखिया हूँ, उस नाते में काम कर रहा हूँ जी, और परिवार भाव से उन्होंने काम किया। वो एक बात और कहते थे कि ये मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है और इस मंदिर में रहने वाली जनता मेरी भगवान है और मैं इसका पुजारी हूँ। तो देखिए आप भाव देखिए, आपने पूजा माननीय मुख्यमंत्री का भाव देखिए जनता के प्रति। नहीं 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 बिल्कुल आउट नहीं थे सर, ये स्ट्रेटेजिकली चीज़ें होती है और बिल्कुल आउट नहीं थे और आउट कहा भी नहीं जा सकता। आज अगर ये इतनी बम्पर हमारी जो जीत हुई है, हाँ, इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान उस कर्मवीर योद्धा का भी, उन्होंने 160 से ज्यादा, फिर वो कर्मवीर योद्धा ये कह नहीं पा रहा ना कि अभी भी वो मुख्यमंत्री मामा हमारे मुख्यमंत्री होंगे। मैं आ रहा हूँ आपके पास, शोक्ति होती है इसका जवाब तो विस्तार से कही जाएगी। नहीं नहीं इसका जवाब विस्तार से चाहेंगे, कही जाएगी। अमित श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार थोड़ी तकनीकी दिक्कत आ गई थी और यही सवाल मेरा गौतम साहब आगे आपसे रहेगा, जवाब आपसे भी मैं लूंगा। श्रीवास्तव साहब, मंथन की बहुत बात करती है कांग्रेस में, मंथन और चिंतन दोनों की बात की जाती है। इस मंथन से वो अमृत कब निकलेगा जो वोट में तब्दील हो पाएगा जी? देखिए चिंतन भी होता है, चुनाव लोकतंत्र में जीत हार लगे रहती है और मैंने कहा ना बड़ी विनम्रता के साथ जनता का जनादेश हम स्वीकार करते हैं, लेकिन मैं आपको फिर कह दूं कि लगातार हम चिंतन मनन करते रहते हैं, जिसका अमृत हमें हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी मिला था, जिसका मंथन करके हमें अमृत हमें कर्नाटक चुनाव में भी मिला और छत्तीसगढ़ का रखा रखाया अमृत कलश खाली हो गया, बीजेपी के हाथ चला गया। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, यही तो चिंता का विषय है कि सारे सर्वे हमारे अपने सर्वे जनता के बीच में जब हम जाते थे जनता कांग्रेस से बहुत खुश थी, और जो पहले डेढ़ महीना पहले तक यहाँ पर जो बीजेपी पूरी तरीके से मुद्दा विहीन थी, जो कहते हैं ना लोकतंत्र की एक आवश्यकता होती है सशक्त विपक्ष, लेकिन हमें और जनता को जनादेश जो मिला है उस जनमानस को लगता था कि यहाँ पर विपक्ष है ही नहीं, लेकिन इन डेढ़ महीनों में ऐसा क्या हुआ कि ये निर्णय आया जो किसी को भी एक्सपेक्टेड हमें नहीं था। और एक आंधी जो बीजेपी की चली, पिछले बार हमारी सुनामी चली थी और इस बार उनकी आंधी चली है, आंधी और सुनामी मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें 68 सीट मिली थी तो सुनामी थी और इस बार इनको 55 सीट मिली है, मतलब इनकी आंधी है। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं ये जनता जनार्दन होती है, अगर जनता के बीच में हम अपने कामों को नहीं पहुंचा पाए, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम आपके जवान पत्रकारों दोस्त लोग से आज सुबह बात कर रहे थे, कल हमारी चर्चा हो रही थी रात के, तो मुझे लगता है बहुत सी ऐसी चीजें आई हैं जिसे मैं आपके चैनल पे तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन निश्चित तौर पे जब समीक्षा होगी तो अपने नेतागण को जरूर सारी चीजों के हम रखेंगे जी। कि क्या यहां ये जो आज आपने सुना चाय के दौरान बातचीत में अपने करीबी लोगों से, इससे जुड़ा एक सवाल, मैंने भी रायपुर की चाय की दुकान पर चुस्कियों के दौरान कुछ ऐसा महसूस किया। मैं आऊंगा आपके पास, गौतम साहब भी हमारे साथ। गौतम साहब, इस मंथन से अमृत कब निकलेगा कांग्रेस के लिए? देखिए निश्चित रूप से 2018 में हम सत्ता में आए थे मध्य प्रदेश में और हमारी सरकार किन्हीं कारणों से चली गई थी, उन कारणों में जाना ठीक नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे मंथनों से उसका मतलब नहीं निकलता है। मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी करारी पराजय हुई है इसके बाद भी हम गंभीर मंथन करेंगे और उसके उपरांत जो भी बातें सामने आएंगी उनको हम दूर करने का प्रयास करेंगे, जो हमारी कमियां होंगी उनको दूर करेंगे और अपने मजबूत पक्षों को और मजबूत करेंगे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की इस प्रचंड विजय पर मैं उनको बधाई देने के साथ ही एक बात और कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये नया फिर कार्यकाल शुरू होने जा रहा है, इसमें फिर से व्यापम जैसे घोटाले ना हो, पटवारी भर्ती जैसे घोटाले ना हो, लोगों को रोजगार मिले और गौतम साहब बात एक और आ रही है, बड़ी अच्छी बात हमारे प्रिय है पुनीत, उन्होंने याद दिलाया है। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि अगर ये हारे तो कुछ नहीं, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अस्तित्व, इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि 2003 में इससे बुरी हार के बाद आप उभर कर आए हैं, बावजूद उसके सवाल पूछा जा रहा है। गौतम साहब देखिए मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी फिनिक्स के उस पक्षी की तरह है जो अपनी राख के ढेर से उठ खड़ी होती है और ये पहली बार नहीं हुआ है। 1977 में भी मान लिया गया था कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, लेकिन 1980 में वो प्रचंड बहुमत के साथ आई जब भारतीय जनता पार्टी की आया करती थी। मैं समझता हूँ कि हर बार जब भी कांग्रेस पार्टी को खत्म मान लिया जाता है, राजीव जी की मृत्यु के बाद यह अवसर आया था, उसके बाद में नरसिम्हा राव जी के जाने के बाद यह अवसर आया था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस 10 साल तक यूपीए की सरकार चलाती रही। गौतम साहब मुझे सेकंड लीडरशिप से आपको एक नाम बताएंगे प्लीज, बहुत ज्यादा वक्त मेरा आपके पास जा रहा है। गौतम साहब सेकंड लीडरशिप कमलनाथ और दिग्विजय के बाद, कोई एक नाम? बहुत सारे हैं, एक नाम नहीं है। जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह है, जीतू पटवारी है, कमलेश्वर पटेल है, जरूर ये चुनाव हार गए हैं, लेकिन इसका मतलब उनका नेतृत्व तो खत्म हो गया, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। ठीक ठीक ठीक, मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ। डॉक्टर बघेल हमारे साथ जुड़ गए, कुछ तकनीकी दिक्कत थी,
तो डॉक्टर बघेल, प्रचंड जीत आपको मिल गई, मुद्दे बहते रहे जो आप उठाते रहे, अब तो बड़ी चुनौतियां हैं। बिल्कुल कोई चुनौती नहीं है। 15 साल के शासनकाल में छत्तीसगढ़ का जितना विकास हुआ है, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता भलीभांति से परिचित है। हाँ। और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने वापस भाजपा पे विश्वास जताया है। चुनौती वाली बात तो मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। हमने जितने घोषणा पत्र में जनता से वादे किए हैं, पूरी कैंपेनिंग में आपने बताया कि छत्तीसगढ़ में चुनौतियों का जनता ने जिस प्रकार भरोसा दिखाया है भाजपा के ऊपर, मुझे लगता है हम पूरा अपने श्रद्धा के साथ। अच्छा, महादेव ऐप कब बंद होगा? घोषणा पत्र के किए गए वादे को पूरा करने का कोशिश करेंगे। ठीक, श्रीवास्तव साहब, रायपुर में जो मैंने महसूस किया वो आपके ट्वीट में भी नजर आता है। मैं आपको बताता हूं, चम्मच चम्मच में जीरा, कांग्रेस कार्यकर्ता लाखों में हीरा, झूठ फैलाने की मिट गई चुल, घुस गई गारंटी, झड़ गया फूल, फूल है गुलाब का चमेली मत समझना, सरकार आ रही कांग्रेस की भाजपा मत समझना, लक्ष जैसी खुशबू हमाम में कहां, कांग्रेस जैसी पार्टी हिंदुस्तान में कहां। बात अहंकार की कर रहा हूं मैं, श्रीवास्तव साहब। देखिए, मैं आपको बता दूं, आप मुझसे मिले हैं, मैं भी आपसे कई बार मिला हूं, और हम अभी आप जब रायपुर आए थे तब भी हम आपके शो में थे, तो निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि अहंकार, अहम और वहम तो किसी को भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो नेता हो, कार्यकर्ता हो, पत्रकार हो या कोई भी साथी हो। अहम और वहम ज्यादा दिन तक टिकता नहीं, और अहम तो रावण जो इतना विद्वान हुआ करता था उसे खत्म कर दिया। तो मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए अहम और वहम होना नहीं चाहिए, सबको विनम्रता के साथ रहना चाहिए। और कहते हैं ना कि शब्द सब सब कोई कहे, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। तो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे शब्दों से किसी को अगर आहत पहुंचे, किसी को दुख पहुंचे, तो मुझे ये बड़ी अच्छी बात है। कांग्रेस हारने के बाद दर्शन पे बहुत तगड़ी पकड़ बनाकर रखती है। सिसोदिया साहब, आपके पास मैं आना चाह रहा हूं। कहा यह भी जा रहा है कि नहीं, एंटी इनकम्बेंसी जैसी बात नहीं थी, कुछ नेताओं की व्यक्तिगत छवि अहंकार की तरफ बढ़ चली थी, सिसोदिया साहब, और वो भी आपकी पार्टी में, ये बड़ी बात। इस चुनाव में इनकम्बेंसी तो हमने देखी, पर वो प्रो इनकम्बेंसी थी, सत्ता के पक्ष में वातावरण था, सरकार के द्वारा किए हुए काम को अप्रिसिएट किया जा रहा था, सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजना और विकास के कार्य शुरू किए थे उन पर जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया था। परंतु उसके बाद भी अगर हमारे कुछ प्रमुख लोग हारे हैं, हमारे मंत्रीगण हारे हैं, तो निश्चित तौर पर वो खुद भी इसकी समीक्षा कर रहे होंगे और पार्टी भी उसकी समीक्षा करेगी। अलग अलग जगह अलग अलग फैक्टर रहे हैं, और इस चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट वितरण किया था वो भी बहुत ही बेहतर किया था, बहुत अच्छे लोगों को उम्मीदवार बनाया था। उसके बाद भी कुछ लोग हमारे हारे हैं, तो स्वाभाविक है कि चुनाव में सभी स्थान पे हम जीत जाएंगे ऐसा भी संभव नहीं होता है। हाँ हाँ। कुछ स्थान हारे भी जाते हैं, हार भी जाते हैं, पर मंत्रीगण हारे हैं, प्रमुख लोग हारे हैं, तो समीक्षा होगी, निश्चित तौर पर गहन समीक्षा होगी। उसके बाद चलिए सामने आए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी कमी अच्छी बात हुई, अध्यक्ष को बताया। और चूंकि इलेक्शन के दूसरे दिन तीसरे दिन मिलने से अच्छी बात ये होती है कि सभी का ताप थोड़ा वार्तालाप में ज्यादा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दिग्गज जो धड़ाम हुए हैं, आवाम ने अपनी जो ताकत दिखाई है, इसे हर चुनाव में याद रखना चाहिए। उंगली जब पब्लिक करती है तो स्थितियां बिगड़ जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का भी।